हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू पिनटेक। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही छोटा सा ड्रोन को बनाने जा रहे हैं और इसको चलाने के लिए यहाँ पर हम टॉय कार के रिमोट कंट्रोल को यूज़ करने वाले हैं। तो देख सकते हो, रिमोट कंट्रोल का रिसीवर मॉड्यूल है 27 mm का और ये चलता है 3.7 से 5 वोल्ट में, और ये ट्रांसमीटर मॉड्यूल है, बोले तो रिमोट है। तो देख सकते हो, बहुत ही दो सिंपल चीज़ों से इसको बनाने जा रहे हैं। तो अभी मुझे पता नहीं है उड़ पाएगा या नहीं, लगता तो है ये थोड़ी बहुत उड़ सकता है लेकिन हवा में स्टेबल नहीं रह पाएगा क्योंकि इसका कंट्रोल सिस्टम ड्रोन का नहीं है, टॉय कार का है। तो चलिए फिर इसको फटाफट बना लेते हैं और इसको हम लास्ट में अच्छी तरह से टेस्ट कर उड़ाकर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो देख सकते हो, यहाँ पर बोर्ड पे बी और एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ से ही हम सारे मोटर को पावर देने वाले हैं। तो चलिए सारे मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर दो मोटर को एंटी क्लॉकवाइज और दो मोटर को क्लॉकवाइज कनेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको फॉरवर्ड कनेक्शन करके लेते हैं। तो देख सकते हो, इसको हमने इस तरह से कनेक्शन किया, तो चलिए एक बार इसको समझा देती हूँ। तो देख सकते हो, इस वाले मोटर का रेड के साथ इस वाले मोटर का ब्लू के साथ जोड़ दिया और सेम तरह से इधर भी इसका रेड के साथ इसका ब्लू को जोड़ दिया। तो चलिए एक बार करीब से दिखा देती हूँ। तो देख सकते हो कितना सिंपल है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप इसको फाइनली बोर्ड के साथ सोल्डिंग कर देते हैं। तो देख सकते हो, इसको मैंने सोल्डिंग कर दिया और बैटरी को भी डबल टेप की मदद से चिपका दिया। आप पावर सप्लाई के लिए बैटरी को भी बोर्ड के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो देख सकते हो, यहाँ पर बोर्ड पर V+ और V- लिखा हुआ है, शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए आप लोगों को अच्छे से दिखा देते हो। तो देख सकते हो, यहाँ पर बैटरी को पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ अच्छे से सोल्डिंग कर दिया और एक वायर को बीच में से काट दिया ड्रोन को ऑन या ऑफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्विच को जोड़ने से ड्रोन को वेट ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए आप इसका प्रोपेलर को भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, अभी ड्रोन पूरी तरह से बांधकर रेडी हो गया। तो चलिए अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं और रिमोट को रेडी करके लाते हैं। तो देख सकते हो, इस रिमोट को मैंने 3.7 वोल्ट का इथेनॉल सेल से पावर सप्लाई दिया और इसको डबल टैप की मदद से बैटरी के ऊपर ही चिपका दिया। तो चलिए आप ड्रोन को ऑन कर देते हैं और टेस्ट करके देख लेते हैं। ओहो, देख सकते हो दोस्तों, एक मोटर ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसका बैटरी का चार्ज भी थोड़ा सा कम लग रहा है। तो चलिए बैटरी को चार्ज कर लेते हैं और इस मोटर को भी ऑयल वगैरह डाल के छत पर ले जाकर टेस्ट कर लेते हैं। ओ गॉड, फिर से सेम प्रॉब्लम, एक मोटर अभी भी काम नहीं कर रहा है, लगता है इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा।